हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मी 10 अल्ट्रा के बारे में। तो इस फोन का लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। तो सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो इस बार मी 10 अल्ट्रा के अंदर आपको एकदम डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको एकदम मॉडर्न लुक इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे का जो कैमरा केसिंग है ये आपको एकदम अलग देखने को मिलेगा, और जो सबसे पहला लेंस है इसमें आपको सिल्वर कोटिंग देखने को मिल जाता है। और ये असल में एक पेरिस्कोप लेंस है जिसके अंदर आप 120 तक का डिजिटल जूम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर आपको इस फोन में मिलेगा। और साथ में इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और वो भी कर्व पैनल के साथ। जी हां, इस फोन में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ठीक जैसे आपको पिछले बार मी 10 के अंदर देखने को मिल रहा था। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलेगा, साथ में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट में आपको एक पंचोल देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। तो ये जो स्मार्टफोन है इसका डिस्प्ले आपको बेमिसाल देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पर जो बेजल्स है ये भी बहुत ही कम आपको इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 865 या फिर स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और वो भी 5G सपोर्ट के साथ। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज या फिर 256GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको LPDDR5 का रैम सपोर्ट और UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर रीड और राइटिंग स्पीड बहुत ही अच्छा इस फोन के अंदर आपको मिलेगा। और इसके कैमरे की बात करें तो इस बार पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो पहला लेंस है इसके अंदर आपको पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 120x तक का डिजिटल जूम देखने को मिल जाएगा। और इस फोन का जो मेन कैमरा लेंस है ये शायद आपको 48 या फिर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ कैमरा आपको वाइड और मैक्रो लेंस के साथ देखने को मिल जाएगा। और अभी इस फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 mAh का बिग बैटरी मिलेगा, साथ में 120 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, मी 10 अल्ट्रा के अंदर आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से आपको आईको 5 के अंदर देखने को मिलेगा ठीक उसी तरह से इस बार मी 10 अल्ट्रा के अंदर भी आपको वही सेम फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर आपको 55 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मी 10 अल्ट्रा के अंदर आपको मिलेगा। तो ये जो फोन है एकदम माइंड ब्लोइंग होगा, और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब ये फोन लॉन्च होगा। तो लॉन्च के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मी 10 अल्ट्रा आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा 11th अगस्त को। जी हाँ, 11 तारीख अगस्त को ये सबसे पहले चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद आपको ये इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। और इस फोन के साथ साथ और एक ऐसा स्मार्टफोन है जो इसी दिन लॉन्च होगा चाइना के अंदर, जो है रेडमी K30 अल्ट्रा। जी हाँ, जो अल्ट्रा वेरियंट है अभी आपको बहुत ही जल्दी 11 तारीख को चाइना में देखने को मिल जाएगा। और इस फोन के प्राइसिंग की बात करें, यानी कि मी 10 अल्ट्रा के प्राइसिंग की बात करें, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये फोन आपको बहुत ही हाई प्राइस में मिलेगा। यानी कि अगर आप अभी फिलहाल इंडिया में मी 10 का प्राइसिंग की बात करें, वो फोन अभी आपको 50,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, और मुझे लगता है कि मी 10 अल्ट्रा आपको शायद 60,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, इसका प्राइस बहुत ही हाई होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेक्स है ये आपको अपर फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप भी इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं? आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।